दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के बाद रविवार को राजधानी का माहौल तनावपूर्ण है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए पुलिस आसपास के इलाकों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। घटना के तुरंत बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए और तमाम आला अधिकारी भी वहां पहुंचे हुए हैं। अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस की टीम ने इलाके के कई वीडियो फुटेजेस हासिल कर लिए हैं। इसमें कुछ लोगों की पहचान भी हो चुकी है। अफसरों का कहना है कि दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा। जहांगीरपुरी हिंसा के शनिवार से ही तमाम वीडियो वायरल हो रही है। किसी में भगदड़ मची हुई है, किसी में पत्थरबाजी हो रही है तो किसी में आगजनी देखने को मिली। लेकिन अब घटना का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें पत्थरबाजी की तस्वीरें हैं। लेकिन सबसे खास बात ये है कि एक व्यक्ति इसमें गोली चला रहा है जो वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये तस्वीर शोभा यात्रा पर पथराव के दौरान की है। एक शख्स इस तस्वीर में पिस्तौल ताने हुए नजर आता है। पुलिस इसकी जांच और शख्स की पहचान कर रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स इस वीडियो में आता है और फिर अपनी पिस्टल को तानते हुए गोली दागता है। पुलिस के मुताबिक अव्यवस्था फैलाने में शामिल लोगों की पहचान के लिए ड्रोन और फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है। इसके अलावा घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे तथा मोबाइल फोन में रिकॉर्ड फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए राष्ट्रीय राजधानी के बाकी सभी 14 पुलिस जिलों में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं और निगरानी की जा रही है। इस हिंसा के बाद वैसे सियासत भी काफी तेज हो गई है। ढाईकोर बीजेपी के नेता इसे साजिश करार दे रहे हैं तो कांग्रेस सेफ खेलते हुए लोगों से एकजुट रहने की अपील कर रही है। आईएनएस रिपोर्ट।